हैदराबाद के एक होटल में स्कूटी की बैटरी फटने से आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। खबर का अपडेट आपको आगे बताएंगे। ओडिशा के एक संगठन ने ये दावा किया है कि कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ का है, अब उसे मंदिर में वापस किया जाए। क्या है पूरा मामला, आगे बात होगी। ओडिशा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने शादीशुदा होते हुए भी एक किन्नर से शादी कर ली। पूरी खबर की अपडेट जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद के होटल में सोमवार रात 10 बजे आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया, लेकिन धुआं काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने हादसे में मरने वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। 150 दिन और 3,570 किलोमीटर चलने वाली यात्रा अभी केरल में है। राहुल गांधी के साथ 119 यात्री हर रोज 7 घंटे पैदल चल रहे हैं। इस दौरान वे 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यात्रियों में 32 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी के रहने, खाने पीने और आराम करने के इंतजाम भी साथ चलते रहते हैं। यात्रा के लिए 50,000 एप्लीकेशन आई थी, इनमें से सिर्फ 119 लोगों को चुना गया है। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरकर भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर में खत्म होगी। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई देश के 33 ठिकानों पर छापे मार रही है। सीबीआई जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हरियाणा, गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में ये छापे कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी जारी है। इनमें जम्मू कश्मीर एसएसबी परीक्षा से जुड़े अधिकारी खालिद जहांगीर और अशोक कुमार भी शामिल हैं। केरल के पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर एनम जोसेफ का मंगलवार को देहांत हो गया है। वो 79 साल के थे। इस बात की जानकारी उनके परिवार वालों ने पीटीआई को दी। जोसेफ केरल में जनता दल के अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका अंतिम संस्कार कल यानी बुधवार को होगा। उनके देहांत पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शोक व्यक्त किया है। प्रोफेसर जोसेफ का निधन आज सुबह पाला मैरियन मेडिकल सेंटर में हुआ। उनका पार्थिव शरीर आज शाम को 4 बजे पाला कडापट्टूर स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा। ओडिशा के एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ने यह दावा किया है कि कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ का था। इस संगठन ने यूनाइटेड किंगडम से ऐतिहासिक पुरी मंदिर में कोहिनूर हीरे की वापसी के लिए मांग की है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप के लिए भी कहा है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स महाराजा बन गए हैं और नियम के अनुसार 150 कैरेट का हीरा उनकी पत्नी डचेस ऑफ कार्नवाल कैमिला के पास जाएगा। श्री जगन्नाथ सेना के संयोजक प्रियदर्शन पटनायक ने एक ज्ञापन पत्र में लिखा, कोहिनूर हीरा श्री जगन्नाथ भगवान का है, अब ये इंग्लैंड की महारानी के पास है। कृपया हमारे प्रधानमंत्री से इसे भारत लाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करें। ममता सरकार के खिलाफ मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं का सचिवालय चलो अभियान के तहत प्रदर्शन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार समेत कई नेताओं को पुलिस ने कोलकाता स्टेशन पर ही रोक लिया है। वहीं रानीगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। बंगाल पुलिस ने हावड़ा और कोलकाता रेलवे स्टेशन पर भी भारी बैरिकेडिंग की है। स्टेशन पर ही कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है। वहीं पुलिस की भूमिका पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने सवाल उठाया है। घोष ने कहा है कि बंगाल पुलिस रेलवे स्टेशन के भीतर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रही है। माइंड वाइन समिट के 15वें संस्करण को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इंडस्ट्री निवेश करे, इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार नीति बनाने से लेकर सब कुछ करने को तैयार है। देश के प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए सरकार पीएलआई जैसी पॉलिसी लेकर आई है। टैक्स दरों में भी कटौती की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी पॉलिसी खत्म नहीं होती, बल्कि उन्हें लगातार अपडेट किया जाता रहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा बल्लेबाज विराट कोहली ने मंगलवार 13 सितंबर को ट्विटर पर एक रिकॉर्ड बनाया है। विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 50 मिलियन के पार हो गई है। भारत में अब उनका तीसरा सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट हो गया है, जिस पर 50 या 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बल्लेबाज विराट कोहली से ज्यादा किसी भारतीय ट्विटर अकाउंट पर 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर है। पीएमओ के अकाउंट पर 50.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री देश के पहले ऐसे ट्विटर अकाउंट होल्डर हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या 82.3 मिलियन से ज्यादा है।
कोई भी महिला स्वतन को स्वीकार नहीं करती, लेकिन ओडिशा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स को एक किन्नर से प्यार था, जिसे उसकी पत्नी ने भी स्वीकार कर लिया है और शादी की परमिशन दे दी है। यही नहीं, कालाहांडी की महिला ने पति को यह अनुमति भी दे दी है कि वह किन्नर को अपने घर में रख ले, यानी तीनों अब एक छत के नीचे रहेंगे। किन्नर से शादी जचाने वाले शख्स का 2 साल का बेटा भी है। वह पिछले 1 साल से किन्नर के साथ अफेयर में था। ये बात जब उसकी पत्नी को पता चली तो उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और किन्नर के साथ पति को उसी घर में रहने की मंजूरी दे दी। हालांकि कानूनी रूप से पहली पत्नी से तलाक किए बिना कोई शख्स दूसरा विवाह नहीं कर सकता। रविवार को महिला के पति ने किन्नर के साथ विवाह रचा लिया। इस दौरान किन्नर समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सेबकारी किन्नर महासंघ के अध्यक्ष कामिनी ने विवाह की सारी रस्मों को पूरा कराया। उन्होंने कहा कि हम दोनों के लिए खुश हैं और उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। कामिनी ने कहा कि हम जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पत्नी के रहते हुए कोई पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों पार्टनर्स की सहमति का मामला है। इस शादी के लिए तो शख्स की पत्नी ने खुद मंजूरी दी है, तो इसके बाद ही ये विवाह रचाया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू, द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। मुझे बेपना प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।